नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ लगातार जनता जुड़ रही है, जानते हैं जनता का क्या कहना है। डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों की सुरक्षा कैसी है, हमारे साथ एक ऐसी ही लड़की जुड़ी हैं जो आश्रम में लगभग बचपन से जा रही हैं। क्या लगता है इनको, कैसी सुरक्षा है, समाज को ये क्या बताना चाहती हैं, जानते हैं इनसे सीधा बातचीत करके। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सोनू इंसा। सोनू इंसा जी, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़े लिखे आप? मैं MA हो चुकी है मेरी अभी और BEd चल रही है मेरी। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था के साथ आप कब से जुड़े हो? जब से मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है ना, वो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है और हम शायद 80-85 साल पहले से ही डेरा से जुड़े हुए हैं। आप आश्रम में जाती रही हैं मैम? हाँ। वहाँ पर लड़कियों की सुरक्षा कैसी रखती है डेरा सच्चा सौदा में? लड़कियों की डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों की सुरक्षा इतनी ज़्यादा है कि मतलब हमारे पूरे हिंदुस्तान में इतनी सुरक्षित जगह उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकती। वहाँ सब जगह मतलब अलग अलग सिस्टम है लड़कियों के, बॉयज़ के, मतलब अलग अलग बैठाते हैं, अलग अलग सारा कुछ सिस्टम बहुत अलग है वहाँ का। और विशेषकर लड़कियों की जो बात है तो वहाँ लड़कियों को ये सब सिखाते हैं कि उन्हें अपनी मतलब शिक्षा कैसे करनी है और परिवार में कैसे रहना है, मतलब अपनी सुरक्षा कैसे रखनी है, बहुत कुछ सिखाते हैं वहाँ डेरा सच्चा सौदा में। और जब लड़कियाँ वहाँ पर इतनी सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, मतलब माइंड ब्लोइंग। वहाँ पर समाज हित के लिए, लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया जाता है? समाज के लिए वहाँ मानवता भलाई के जो कार्य हैं, जैसे नशा छुड़वाना और जैसे वेश्यावृत्ति, नशे और जैसे कि दहेज प्रथा, लड़कियों को सम्मान देना समाज में, और जैसे किन्नर होते हैं उन्हें हमारे पिताजी ने, जो पूज्य पिताजी डॉक्टर संत गुरमीत राम सिंह जी इंसा है, उन्होंने मतलब बहुत कुछ किया है उनके लिए, उन्हें एक समाज में अलग जगह दिलाई है, उन्हें एक नाम दिया है। मैम, दूसरी तरफ उनके ऊपर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? वो सब झूठे हैं, किसी की साजिश है, लेकिन वो नाकाम होंगे इस पे। और हमारे जो गुरु है वो एकदम सच्चे हैं, उन पे जो आरोप लगे हैं वो सब झूठे हैं। दुनिया चाहे उनके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं जब से जन्म हुआ है मेरा, मैंने उन्हें देखा है, उनकी बातें वचन सारे सुने हैं, उनके कार्य जो मानवता भलाई के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उन्होंने जो किया है, शायद ही कोई कर सकता है और हो भी नहीं सकता किसी से, उन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए। मीडिया में काफ़ी बातें उठाई जा रही थी, लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, क्या कहना चाहोगे आप? मीडिया तो कहने के लिए कुछ भी कह सकती है, मीडिया तो ऐसी चीज़ होती है जिसमें बंदे को कभी तो ऊपर उठा देती है और झट से नीचे ज़मीन पे भी डाल देती है। मीडिया 90% झूठी है, एक झूठी और बिल्कुल जो बंदे की कोई भी बात हो वो सारी झूठी दिखा भी सकती है। मैम, फिर इस तरीके से क्यों करना, इस तरीके से क्यों किया गया संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के साथ, ऐसा क्यों किया गया उनके साथ, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो हमारे मतलब देश में या जब भी कोई साधु महात्मा आए हैं, जैसे कबीर दास है, सूरदास है, महात्मा बुद्ध है, जैसे बहुत सारे संत महात्माएँ हैं, उन पे भी तो बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे हैं, तो उनके उस टाइम उन पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे। आज वही टाइम है जो हमारे गुरु हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, आज उन्हें भी नहीं बख्शा। देखो उन टाइम में उन्होंने जो सूरदास कबीरदास जो भी है महात्मा बुद्ध जिन्होंने भी ये सब कुछ किया था, तो हम लोग बुक में पढ़ते हैं सब,
तो उनकी हम आज बुक में पढ़ते हैं। उस टाइम तो देखो मीडिया नहीं थी, पर फिर भी जो लोग थे अनजान वो उनके बारे में भला बुरा बहुत कुछ बोला करते थे और आज उनकी पूजा करते हैं। जब उन्होंने इस संसार से मुक्ति पा ली तब से आज हम लोग इसी मैं मीडिया से या संसार से समाज से ये ही कहना चाहती हूँ, हमारे पूज्य गुरुजी इतने अच्छे हैं, उन्होंने इतनी मानवता भलाई की है कि हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हमें बार बार फोर्स किया उन्होंने, बेटा अच्छे काम करो, मानवता भलाई में आगे जाओ, परमार्थ करो, दीन दुखियों की मदद करो, बहुत कुछ हमें सिखाया है। आज उनकी देन से हम, हमारा परिवार सब कुछ मतलब इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत आगे बढ़ चुका है। हम उनका शुक्रिया अदा मतलब तय दिल से या साथ बार बार अगर जन्म लेना फिर भी मतलब हम उनका शुक्र गुजार हैं, उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। 4 सालों में क्या प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर जब से वो नहीं है समाज में? जब से वो समाज में नहीं है तब से बहुत कुछ संसार में ऐसा हुआ है जो ना होना चाहिए था, जैसे कि गंदे काम, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में बढ़ी है, सबसे ज़्यादा गंदगी बढ़ी है। और तो और मतलब पूरा देश ही धीरे धीरे ऐसे नष्ट होता जा रहा है। और शायद अगर हमारे पूज्य गुरुजी वापस नहीं आएंगे या उन्हें वहीं रखेंगे, जो भी ये सरकार जो फैसले सुनाती है अपने, ये सरासर गलत है। अगर ये ऐसा कुछ करेगी तो हमारा देश देश नहीं रहेगा। बाकी सरकार से यही मेरी अपील है हाथ जोड़कर कि हमारे पिताजी, हमारे जो गुरु गॉड सब कुछ हमने, पिता माता सब कुछ हमने उसने ही माना है, उन्होंने हमारा साथ दिया है, उन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है, और आज उन पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। चाहे हमें उसकी कुछ भी, हमें सरकार हमें कुछ भी बोले, हम करने के लिए तैयार है। आप समाज को क्या बताओ, क्योंकि समाज ने तो मीडिया को देखा है, खासकर लड़कियों के दिमाग में एक बहुत अलग छवि बनी हुई है उनको लेकर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं खुद 4 साल मतलब मुझे आज 17 साल तो नाम गुरु मंत्र मेडिटेशन लिए हो गया, और जब से मैं बोल रही हूँ कि मतलब मेरी जो मम्मी पापा है उन्होंने मुझे डेरा सच्चा सौदे से जन्म से ही, मतलब जब 1 मंथ का बच्चा हो जाता है तब से मैं वहाँ जा रही हूँ, तो वहाँ लड़कियों की ऐसी कोई बात नहीं है जो मीडिया उछाल रही है, बार 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 बोल रही है कि लड़कियों के साथ ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है। मैं खुद अपनी आँखों, और मैं खुद वहाँ 4 मंथ वहाँ मैंने सेवा की है, चाहे आश्रम के बाहर सड़क पे की हो, चाहे आश्रम के अंदर की हो, चाहे 13 वास हमारे वहाँ की हो, चाहे हॉस्टल स्कूल्स वगैरह कहाँ भी मैंने सेवा की है, तो वहाँ लड़कियों की या लड़कियाँ औरतें जो भी आती है उनकी सबसे अलग जगह होती है। वहाँ इतनी सुरक्षा है कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, कोई किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच सकता, वहाँ इतनी अच्छी चीज़ें। गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर बहुत अच्छा है। जो एक वेश्यावर्ती को उठा के जो समाज में उन्हें बहू बेटी का दर्जा दिया है वो भगवान के अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता। हम में भी इतनी दम नहीं है, हम में, मैं एक लड़की हूँ, जैसे मैं लड़की होने के नाते मतलब बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, लड़की हूँ, समाज में जो भी हूँ मैं, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे गुरुजी ने हमें जो परवरिश दी है, हमें जो शिक्षा दी है वो शायद माँ बाप भी नहीं देते जिन्होंने, जो उन्होंने हमें दी है। और जो अपनी बेटियों को या बहुओं को या गैर मतलब हमें पूरे संसार में जो भी कोई लड़की आती है हमारे देश में या अदर कंट्री से कोई भी आती है तो वो अपनी बेटी ही बोलते हैं, तो बेटी के साथ कोई गलत या कोई गलत शिक्षा दे सकता है? आप दिमाग लगाओ, अपना माइंड लगाओ कि अगर कोई अपनी बेटी को, अगर मैं भी एक माँ हूँ, अभी मैं भी माँ हूँ, 2 साल की बच्ची है मेरी, मैं उसको गलत शिक्षा दूंगी क्या कि आप ये करो वो करो? तो हम भी उसके बच्चे हैं, वो सबको आवाज़ लगा के वो सबको बोलते हैं ये हमारी बेटियाँ हैं, बेटियाँ बेटों से कम नहीं है, इतना वो कुछ समाज के लिए करते हैं। बेटियों की क्या जगह थी जब
हमारे पुराने टाइम में बेटियां सिर्फ रोटी बनाती थी लड़कों की, अपने जेंट्स की, बस उनके पैर दबाती थी, सब कुछ करती थी उन्हें, बदले में लाते दारू पी के पीटीजना ये सब कुछ करना पड़ता था उन्हें, है ना। तो अभी उन्होंने इतना अच्छा हमें समझाई है, हमें परवरिश दी है पढ़ाने के लिए, सरकार को, जैसे मोदी सरकार आई है हमारे, अभी इन्हें कई 4-5 साल 6 साल तो हो ही गए कम से कम लगभग, इन्होंने आते ही जो हमारे पूज्य गुरुजी ने शुरुआत की थी इस महासफाई अभियान की, उसके बाद इन्होंने अपनी सफाई महासफाई अभियान शुरुआत की है इन्होंने। इससे पहले कोई भी सरकार या इन्होंने खुद ने आज तक इनके दिमाग में कभी कुछ नहीं आया। हमारे गुरुजी के जो वचन है, गुरुजी ने जो हमें सिखाया, गुरुजी ने जो अनाउंसमेंट की जगह जगह, तब इनके दिमाग में आया, तब इन्होंने थोड़ी बहुत नामात्र इन्होंने समाज सेवा करनी शुरू की है। बाकी भ्रष्टाचार तो हमारे पूज्य जय गुरुजी के जाने के बाद सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि आप हमारे पूज्य गुरुजी को जल्द से जल्द इन्हें इनकी जगह, इनका मान सम्मान इन्हें दें। बाकी इतनी तो किसी की वो नहीं है कि हम लोग इन्हें इज्जत दें, उनकी इज्जत बहुत है। हम 10 करोड़ बच्चे हैं उनके, और 10 करोड़ बच्चों में हमें इतना विश्वास है कि आज हमें हमारे पूज्य गुरुजी ये बोल दे कि आँख मीच कर बेटा, अगर आप कुछ भी करो तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं उनके लिए। बस यही सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारे पूज्य गुरुजी को प्लीज़ इतना और मत सताओ, अब बहुत कर लिया। ये सजा किसको मिली है, संत जी को या समाज को? समाज को हमें मिली है ये सजा, और ये बहुत गलत है। ये सरकार की जो ये मांगे हैं, जो ये है, सिर्फ और सिर्फ ये गलत है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार आपको दिखा रहे हैं असली सच डेरा सच्चा सौदा विद सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। लोगों ने बताया कि किस तरीके से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने समाज में बदलाव लाया है। आपके सामने ये फैक्ट बैठे हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पहले इनके समाज में, लोगों में, समाज आज हम देखते हैं गाँव में हर जगह बेटियों को पैरों की जुत्ती तक समझा जाता था, सिर्फ उनको एक घर की चार दीवारी में बंद रखा जाता था, सिर्फ खाना उनसे बनाने के लिए उनको रखा जाता था। आज ये बेटियाँ पढ़ लिख कर माँ बाप का, हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, और बता रही हैं कि ये शिक्षा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने दी है। वही एक ऐसे संत, ऐसे गुरु हैं जिन्होंने बेटियों की सम्मान को काफ़ी स्तर पर ऊंचा लेके गए हैं। आज उनकी इस समाज को, इस देश को सख्त जरूरत है। आप भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट टाइप। बहुत बहुत धन्यवाद।